हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेत्रवाल। दोस्तों आज मैं थोड़ा गुस्से में हूँ क्योंकि मैंने अभी देखा सीईटी का आंसर की भी लगभग आ चुका है। आया कब है? प्राचीन काल में एग्जाम हुआ था, मध्यकाल पूरा गुजर गया, आधुनिक काल में जाके उन्होंने आंसर की निकाली है। जब सभी बच्चों को इंतजार था कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इस टाइम तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, उन्होंने आंसर की निकाली। और आंसर की कैसे निकाली? इतनी घटिया किस्म की। दोस्तों मैं देख रहा था कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के उन्होंने गलत कर दिए। क्यों भाई, लुटाई करनी है? अभी भी तुम्हारा खजाना खाली रह गया, करोड़ों में पेपर बेच के भी तुम्हारा पेट नहीं भरा है। रिजल्ट मतलब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का रिजल्ट ट्रेंडिंग करवा लो, आंदोलन कर लो, तुम्हें अभी तक नहीं निकालना है। तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई बच्चा वनवास भोग रहा है, पिछले 5 साल से 7 साल से घर से बाहर, मम्मी पापा से बीवी बच्चों से बाहर रह रहे हैं, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से? अरे क्या मुंह लेके जाओगे तुम इलेक्शन में है? कि हमने तुम्हें बर्बाद किया, तुम हमें वोट दे दो। मतलब फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट पका पकाया पड़ा है, तुमसे आंसर की तैयार नहीं हो रही। सेकंड ग्रेड की कह रहे हो कि हम थर्ड ग्रेड का पहले रिजल्ट देंगे। अरे भाई दे दो, बच्चे खुश हो लो जिनके अच्छे मार्क्स है थर्ड ग्रेड, जिन्होंने केवल थर्ड ग्रेड का दिया है वो खुश हो लो, लेकिन उनका क्या जिनका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी निकल रहा है? क्या वो थर्ड ग्रेड जाएंगे? वैकेंसी खाली रखनी, एक तरफ तुम्हें वैकेंसी नहीं निकाल दी, दूसरी तरफ तुम्हारा आंसर की नहीं बना। अरे तुमसे 100 क्वेश्चन का आंसर की नहीं बना, क्या है तुम्हारा, क्या सिस्टम है? कोई कोचिंग वाला 100 पेपर बना देता 10 दिन में, तो तुमसे 6 महीने में एक आंसर की नहीं बनी? और क्या किसको पागल बना रहे हो तुम? अंडा या मुर्गी का अंडा, पहले अंडा है कि मुर्गी है? अरे भाई आंसर की और पेपर साथ ही तो बनता है, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? एलडीसी का, हाईकोर्ट एलडीसी का 2 दिन में आंसर किया जाता है, कि वो सिस्टम से बाहर है, वो दूसरे गोले से आया है। और तुम आरपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, जो तुमसे पेपर नहीं बन रहा, आंसर की नहीं बन रही है? अरे किसको बावले बना रहे हो यार तुम, थोड़ा सोच लो। हर दूसरे दिन किसानों की फसलें बर्बाद हो रही, बेमौसम बारिश हो रही है, वो भी चाहते हैं कि उनकी एक स्टेबल लाइफ हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो कम से कम। किस हालात में बच्चे पढ़ रहे होंगे तुम्हें पता भी है? तुम जादूगर होंगे, जो कुछ होंगे भाई, सब पार्टी ऐसे ही है भाई। हम मैंने देखा है सारी पार्टी ऐसी है, केंद्र वाला ले लो मामला, यहां ले लो, सारा एक जैसा है मामला, बच्चों की हर कोई लेता है। और भाई किसी को बुरा लगे तो लगे भाई, देख क्योंकि मैंने देखा है बच्चों के मैसेज आते हैं डेली डेली कि सर फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट कब आएगा, सेकंड ग्रेड का कब आएगा, ये क्या हो रहा है, इनसे आंसर की नहीं बन रही है, और बन रही है तो इतनी घटिया किस्म की लुटाई मचानी इनको। अरे कहीं तो छोड़ दो तुम, ये लोकतंत्र है, तुम कल्याणकारी सरकार हो कि तुम लुटेरी सरकार हो? तुम्हारे बच्चे विदेश से पढ़ के आगे सीधा पार्लियामेंट पहुंच जाते, इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब किसान के बच्चे को फाइनेंशियली स्टेबल होने का हक नहीं है। तुम खुद देख रहे हो अपना, थोड़ा बच्चों का भी देख लो यार। पढ़िए तो पढ़िए, पेंडिंग चल रहा है मामला, इलेक्शन में जाना उससे पहले निकाल देंगे, ये कौन सा तरीका हुआ यार? और अभी भी मतलब इतना आंदोलन करवा लिया, इतना ट्रेंडिंग करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, फिर भी बस उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का रिजल्ट का। अरे भाई फर्स्ट ग्रेड का तो पूरा हो चुका काम है, अब क्या बाकी रह गया? पता नहीं कौन सी यार, कौन सी दुनिया में दिख ही नहीं रहा। मतलब ये जनता की आवाज मतलब एक लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है कि पता नहीं हुकूमतों की आवाज समझ ही नहीं आ रहा बड़ा क्या रखा है। और दोनों तरफ से भाई मैं फिर कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, पार्टीबाजी में मत उलझना, बेरोजगारों की, युवाओं की, दोस्तों गरीब की, हर कोई लेता है, यही सत्य है, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये मतलब ये इनका जो अधीनस्थ बोर्ड वाले चेयरमैन कह रहे हैं कि 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक हम रीट का रिजल्ट निकाल देंगे, और निकाल देंगे भाई रीट का, बिल्कुल 30 तारीख तक रिजल्ट आ रहा है, डेफिनेटली मान के चलेगा। लेकिन फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का क्या होगा? चल सेकंड ग्रेड का तुम छोड़ो, अभी तो तुमसे आंसर की नहीं बन रही है, फर्स्ट ग्रेड का क्यों नहीं निकाल रहे भाई है? और वैकेंसी कह रहे हो तुम नहीं निकालेंगे, अरे देवता भाई क्या मुंह लेके जाओगे तुम इलेक्शन में? सब समझ रहा है, युवा सब देख रहा है, पर हमारे पास ऑप्शंस नहीं है ज्यादा, ये हमारी भी थोड़ी है। दोस्तों बोलते रहे, मैं तो यही कहूंगा यहाँ पे कोई मतलब किसी का नहीं है, सरकारें तो डेफिनेटली मतलब अपना वोट बैंक पीछे, इनको जब अपनी सैलरी बढ़ानी होती है ना तब ये एक मुद्दा हो जाते हैं संसद पार्लियामेंट में, सैलरी एक मत होकर बढ़ाते धोनी मत से। जब इनको महिलाओं को आरक्षण नहीं देना होता ना 50%, तो ये एक हो जाते हैं और बाकी लड़ाई करके ड्रामा करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मुझे समझ नहीं आता इनका आंसर की मिला हुआ कितना होता है सीईटी का, कोई मतलब इनको लेनी ही नहीं है सीईटी की भर्ती, करवानी ही नहीं इनको, जरूरत ही नहीं पड़ी इनको, इनको तो सिर्फ पावर में आना, नए जिले बनाने, 20 बना दिए, 20 और बना देंगे, पढ़ते रहो बच्चे, टुकड़े कर दो, हर गांव को बना दो ना यार, हर गांव को बना दो, जिला बना दो, हर सरपंच को कलेक्टर बना दो, तुम सीधे बना दो, वैकेंसी की भर्ती की क्या जरूरत है? तुम्हारी होंगे वो नीचे अंडर में कार्यकर्ता,